दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप का यूज करते हैं? अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कमाल का तरीका बताएंगे जिसको आप यूज करके अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये व्हाट्सएप ओपन किया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी अभी फोटो सेट नहीं है व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर। तो आखिरकार व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को सेट कर सकते हैं? अगर आप व्हाट्सएप के यहाँ पर किसी भी चैट के अंदर फोटो को सेट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद चैट पर क्लिक करेंगे, चैट पर क्लिक करने के बाद वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक निकल के आ जाएगा ये चैट का वॉलपेपर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, डार्क मोड का या कोई भी आप वॉलपेपर सेट कर लीजिए और आपके उस अकाउंट के अंदर आपका ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा। सेट वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे और आपका ये सारे के सारे चैट के अंदर आपका वॉलपेपर सेट हो चुका है। यहां से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद किसी का भी आप अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपके बैकग्राउंड में यहां पर ये वॉलपेपर सेट हो चुका है। लेकिन अगर आपने होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपका सेट होगा, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कमाल का जादू बताएंगे जिससे आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर आसानी से फोटो को सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में GB व्हाट्सएप या आप AFM व्हाट्सएप को यूज करेंगे, यानी कि आप AFM व्हाट्सएप या GB व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में और उसके बाद आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फिर आप अपने होम स्क्रीन पर फोटो को सेट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये GB व्हाट्सएप है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को अपने हम फोन में इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे और अभी हमारे पास GB व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग मिलता है और आपको वही पूरा का जो व्हाट्सएप होता है नॉर्मल व्हाट्सएप, उसी तरीके से आपके इस व्हाट्सएप के अंदर सारे के सारे फीचर होते हैं और यहाँ पर आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं और इसमें आप आसानी से अपने GB व्हाट्सएप पर अपने होम स्क्रीन में फोटो को सेट कर सकते हैं। अपना फोटो, अपने दोस्तों का फोटो, गर्लफ्रेंड का फोटो, सब कुछ आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं और यहां पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप GB व्हाट्सएप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर हो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस तरीके से एरो पर क्लिक करिए, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो GB व्हाट्सएप होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी जिस चैट से आप बातें करना चाहते हैं अपने किसी भी चैट को आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। जैसे इस तरीके से आप चैट को ओपन करिए और यहाँ पर आप बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए। अब यहाँ पर आपकी सारी चैट आपको दिखाई देती रहेंगी और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा 3 डॉट का। अब आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा GB सेटिंग सबसे ऊपर। अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा यूनिवर्सल का। अब आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा कलर्स का। अब आप इस पर क्लिक कर दें। कलर्स पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड का विकल्प मिलेगा। अब आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो का। अब आपको फोटो पर क्लिक करना होगा। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में आपके जहाँ पर भी फोटो हो आपको अपना फोटो लेना होगा। तो चलो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक फोटो को ले लेते हैं, जैसे ये वाला। लेने के बाद आपको अपना फोटो क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपका फोटो आ जाएगा। जूम इन और जूम आउट कर लेंगे और नीचे मिलेगा सेट वॉलपेपर। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका वॉलपेपर सेट हो चुका है। अब यहां से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अपने होम स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपका फोटो सेट हो चुका है। यहां पर आपकी सारी चैट आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार आप यहां पर अपने दोस्तों का फोटो, अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो, किसी का भी फोटो आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप GB व्हाट्सएप डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ट्रिक है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।